आप हमारे चैनल में पहले आए हैं तो पहले सब्सक्राइब कीजिए, फिर बेल आइकन को दबाइए और अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। थैंक यू। आपको हमारा चैनल डेवलप गुरु में स्वागत है। आज हम बात करेंगे भागलपुर से साहिबगंज तक नई रेल लाइन दोहरीकरण के बारे में। आखिर तक जरूर सुनेगा, तो चलिए शुरू करते हैं। भागलपुर लेलक के बीच नवनिर्मित लाइन पर बुधवार को ट्रायल लिया गया। ट्रायल पूरी तरह सफल रहा। निर्धारित स्पीड 100 किलोमीटर की जगह 103 रफ्तार से लाइट इंजन को दौड़ाया गया। 15 किमी की दूरी में कहीं भी किसी तरह परेशानी नहीं हुई। इसके रिपोर्ट डिवीजन और पूर्व रेलवे मुख्यालय को भेज दी गई है। शुक्रवार को इस ट्रैक की अंतिम जांच रेल सुरक्षा आयोग CRS निरीक्षण करने पहुंच रही है। CRS निरीक्षण के बाद इस लाइन पर ट्रेन परिचालन को हरी झंडी मिल जाएगी। बुधवार को DEN कॉन्ट्रैक्शन AK वर्मा, ट्रैफिक इंस्पेक्टर राजीव शंकर, PWI कॉन्ट्रैक्शन राजीव कुमार भागलपुर से लाइट इंजन में सवार होकर नई लाइन की जांच करने निकले। भागलपुर से लाइट इंजन खुलने के बाद करीब 103 की स्पीड में ट्रेन दौड़ी। सफलतापूर्वक नई रेल लाइन की जांच हुई। कुछ काम अभी बचा हुआ है, जैसे 2 दिन में पूरा कर लिया जाएगा। CRS 14 दिसंबर को इन लाइन पर ट्रेन चलाकर निरीक्षण करेगी। इस लाइन के चालू होने के बाद भागलपुर साहिबगंज के बीच 75 किमी महज 16 किमी ही दोहरीकरण का काम शेष बचा रहेगा। मालगाड़ियों का परिचालन सुगमतापूर्वक हो चुका है। ट्रैफिक इंस्पेक्टर राजीव शंकर ने बताया कि लाइन का निर्माण पूरा कर लिया गया है। ये न्यूज़ सुनकर आपको अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ऐसे ही न्यूज़ में लाता रहता हूँ। थैंक यू।